पाकिस्तानी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर मैच का नतीजा ड्रॉ साबित हुआ। डे फोर पे पाकिस्तानी के कप्तान असद शफीक ने सबसे ज्यादा 69 रन बनाए थे। टेस्ट स्क्वाड के फास्ट बॉलर वहाब रियाज से पूछा गया कि इंग्लैंड काउंटी डर्बीशायर के लिए खेलने के बाद क्या टीम में दोबारा शामिल होना चैलेंजिंग होगा। देखें, अल्लाह का शुक्र है, काउंटी स्टिंग की अगर आप बात करिए और CPL, वो बहुत अच्छे रहे मेरे, अल्लाह का शुक्र है। T20 क्रिकेट में अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेज परफॉर्मिंग वेल, और ये आप सडन चेंज कह सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली T20 क्रिकेट से आप स्ट्रेट अवे टेस्ट मैच क्रिकेट में आ रहे हैं और कंडीशंस जो है वो टोटली डिफरेंट है, तो इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। बट ऑब्वियसली जो ये अभी एक मैच खेला हमने, उसे काफी हद तक थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है। उन्होंने कहा कि यूए पिच स्पिन को फेवर करती है, लेकिन फास्ट बॉलर्स भी टीम में रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली स्पिनर्स के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बॉल, और ऑब्वियसली एज अ फास्ट बॉलर हमारे रोल्स हैं कि हम लोगों ने स्पिनर्स को कैसे सपोर्ट करना है, और जब टाइम आता है तो ऐसा एक सिचुएशन आती है जिसमें एज अ फास्ट बॉलर आपको अटैक भी करना पड़ता है। उनका कहना है कि दोनों स्क्वाड में नई खिलाड़ी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये 4A गेम इत्मीनान से खेला। उनकी जो बैटिंग लाइनअप है दैट इज नॉट दैट मच एक्सपीरियंस, बट उनके जितने भी प्लेयर्स आए हैं जिस तरीके से उन्होंने ये 4A मैच में बारी ली है, दे लुक वेरी कॉम्पिटेंट प्लेयर्स, और बड़े मतलब जिनको कहते हैं मंजे हुए प्लेयर लग रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बारी की है, कोई उन्होंने जो है वो जल्दबाजी नहीं दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर को पता नहीं था कि एशिया कप के लिए दुबई स्टेडियम में नई पिच लगाई गई, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में मिसबा उल हक और यूनिस खान शामिल नहीं है। No, I'm not expecting any surprises. I think the last time we played here, Pakistan had two very, very senior batsmen and they played brilliantly against us. This time they've got a much younger side. We've got great respect for Pakistan. We know they're a very good team. Pehla test 7 October ko shuru hoga. Cameraman Basit Ahmed ke saath Rizia Ruknuddin, Air Y News, Dubai.